नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से ये खबर, योगी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। बता दें कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। मंत्रिमंडल के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की यह बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई है ये लगातार जारी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये जानकारी दे दें आपको, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। एसके, आपसे जानेंगे ये बैठक जारी है, इसके बाद भी एक और बैठक होनी है। फिलहाल इस बैठक के जरिए क्या कुछ अहम सामने आ सकता है? आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण होना है, जिसको लेकर ग्लोबल टेंडर जारी होना है, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव आज इस कैबिनेट की बैठक में विचाराधीन है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावी वर्ष भी है, कई ऐसे मार्गों का और साथ ही साथ जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं उनके लिए धन आवंटित करने से जुड़े हुए वित्त विभाग के प्रस्ताव हैं, उन पर भी चर्चा हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारे अन्य विषय हैं जिसमें मंत्रियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ करीब आधा दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट अपनी चर्चा कर रही है, और संभव है कि जब इस कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें राज्य मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, तो निश्चित है कि आगामी चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति पर विचार करेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे विषयों को लेकर मंत्रणा करेंगे। जी एसके, अगर हम उन अहम प्रस्तावों के बारे में जानकारी लेना चाहें तो किस तरीके, कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं? हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई प्रस्ताव नहीं जारी हुए हैं, लेकिन जो मुख्य है जिन पर अभी विचार किया जाना है, जिसमें ग्लोबल टेंडर जो होना है फिल्म सिटी जो कि नोएडा की है उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के दो प्रस्ताव हैं, वित्त विभाग की कई स्वीकृतियां होनी है उनसे जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। साथ ही साथ में जो उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों के लिए जो आवासीय, साथ ही साथ जो अनाथ हुए हैं उनके लिए जो व्यवस्था करने वाली है उससे जुड़ा हुआ, बाल विभाग में पुष्टाहार से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों पर आज की कैबिनेट में चर्चा होनी है। अब इसके बाद जिन प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी, निश्चित है कि अब से थोड़ी देर बाद जब इसके बारे में जानकारी दी जाएगी तो ये ज्यादा साफ हो पाएगा कि आखिर किन किन प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। जी ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। और खबर लखनऊ से ही है, सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। यूपी की स्थिति रोज बेहतर हो रही है ऐसा उन्होंने कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटों में 339 नए कोरोना केसेस सामने आए, जो आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ गया था ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आज के वक्त की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 339 कोरोना केसेस सामने आए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि रिक्शा, ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी का वैक्सीनेशन शुरू। और आपको ये भी जानकारी दें कि अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज हो, इसको और तेजी दी जाए ताकि किसी भी तरीके के कोई शराब कांड सामने ना आ सके। और साथ ही ये भी कहा गया कि शराब माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा की जाए, अनाथ बच्चों के बेहतर पालन पोषण की व्यवस्था हो, बाल संरक्षण गृहों में व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, स्मार्ट सिटी अमृत योजना का कार्य तेज हो, गेहूं खरीद 15 जून के बाद भी जारी रहे। क्योंकि अगर हम गेहूं खरीद को लेकर बात करें तो किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, गेहूं क्रय केंद्रों पर उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हुई है। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहीं भी अनाज ना भीगने पाए इसका खास ख्याल रखा जाए, गौ आश्रय स्थलों में चारे भूसे की कमी ना हो। लगातार एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसके से अपडेट ले लेते हैं। एसके, ये तमाम फैसले जो लिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से, अनुपालन तो जरूर ही होगा, लेकिन खास तौर पर अगर हम अभी के अपडेट लेना चाहें क्या कुछ सामने आ रहा? लगातार हम आपको ये अपडेट पहुंचा रहे हैं, टीम 9 के साथ बैठक की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको जानकारी दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय हैं, फिर चाहे कोरोना के आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए, फिर चाहे किसानों के लाभ के लिए, फिर चाहे बच्चों के बेहतर जीवन के लिए हो, और तमाम निर्देश जो आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में ये दिए। 24 घंटों में जो 339
कोरोना केसेस आए, कहीं ना कहीं 3T फॉर्मूला जो लागू किया गया प्रदेश भर में उसका नतीजा है, जिसका देश भर में तारीफ भी की जा रही और साथ ही WHO की तरफ से भी सराहना की गई 3T फॉर्मूला की। आपको यह भी जानकारी दे दें कि रिक्शा, ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी वालों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया गया है और शराब कांड ना हो उसके लिए, अवैध शराब के लिए उसके खिलाफ कई अभियान चलाए जा रहे हैं और वो अभियान में तेजी की जाए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। शराब माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा की जाए। आपको ये भी जानकारी दे दे कि अनाथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए फैसला लिया गया है ताकि उनको बेहतर एक भविष्य मिल पाए। एसके वाजपेयी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। एसके, टीम 9 के साथ जो बैठक हुई है, फिलहाल जो खास खास निर्देश आए वो तो हमें पता चल गए, लेकिन और क्या कुछ खास रहा है वो जानकारी दे। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अवैध शराब के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान चलाने के निर्देश पूरे प्रदेश भर में दिए हैं, जिसमें जो भी ऐसे लोग हैं जो अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश हैं। साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पर शस्त्र लाइसेंस जारी हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी वर्ष है तो ऐसी स्थिति में कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति ना बदले, ऐसे सभी जो ये शस्त्र लाइसेंस है उनकी समीक्षा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि अगर कोई ऐसा लाइसेंस है जिसको जरूरी नहीं है या फिर उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कर दिया जाए, जिसके निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनसे जुड़े हुए निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि उसको तेजी के साथ मानवता के आधार पर जो जिलाधिकारी हैं अपने अपने जिले की सूची तैयार करें और ऐसे बच्चों को जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्था दी जा रही है वो उनको उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ में जो स्मार्ट सिटी और अमृत योजना से जुड़े हुए कार्य हैं जो कि कोरोना काल के दौरान कहीं ना कहीं स्लो हुए थे, उनको दोबारा तेजी के साथ शुरू किया जाए। 15 जून से जो मंडियों में किसानों के द्वारा गेहूं बेचे जाने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उसके लिए प्रॉपर इंतजाम करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न गौशालाएं हैं उनसे वहां पर जो चारे हैं और बाकी की जो व्यवस्था है जो गायों के लिए निर्देशित हुआ था उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि वर्षा काल में इन सभी चीजों की व्यवस्था कर ली जाए। जी चलिए, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं यूपी में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जहां दुकानदारों, ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवरों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ग्राम प्रधानों से अपील की है ग्रामीणों का टीकाकरण कराने में भी सहयोग करें ग्राम प्रधान। तो ये अपील की गई है मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की तरफ से। एक और लगातार योगी सरकार तमाम प्रयास कर रही है कोरोना जैसी समस्या से निजात पाने के लिए, वहीं इसको लेकर के वैक्सीनेशन का भी बहुत जबरदस्त तरह से प्रयास हो रहा है। लगातार प्रशासनिक अमला जो है इस पर बहुत बेहतर ढंग से लगा हुआ है। वहीं बात इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद पीलीभीत में, जहां लगातार जिला अधिकारी व अन्य सभी अधिकारी वैक्सीनेशन को लेकर के पूरा जोर दे रहे हैं। वहीं बात अगर हम पीलीभीत में वैक्सीनेशन की करें तो 45 वर्ष से अधिक लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो 1,61,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं दूसरी ओर 1 जून से जो योगी सरकार ने 18 प्लस के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन को लेकर के जो बात कही है, वहीं जनपद में इस समय 18 प्लस जो लोग हैं, 18 से ऊपर की जो उम्र है उन लोगों को वैक्सीनेशन जो है 18,000 से ऊपर का वैक्सीनेशन हो चुका है। इस तरह से जिले के तमाम प्रयास कर रहे हैं आला अधिकारी, लगातार प्रयासरत हैं। वहीं डॉक्टर्स भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि इस समस्या से जल्द जल्द निजात पाई जाए। वैक्सीनेशन बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर किया जा रहा है, सारे लोग वैक्सीनेशन को बहुत अच्छे लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, प्रशासनिक अमला भी जागरूक कर रहा है। अमित कुमार मिश्रा, न्यूज़ बने। और वहीं हल्द्वानी से खबर, पंचतत्व में विलीन हुई इंदिरा हृदेश, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। सीएम रावत समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको जानकारी दे दें, बीते कल दिल्ली में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया था। बैठक में शामिल होने के लिए गई थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदेश का बीते कल निधन हो गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीएम रावत समेत तमाम गणमान्य उस वक्त मौजूद रहे। आपको जानकारी दे दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत सहित भाजपा और कांग्रेस के कई नेता यहां पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने।
इस वक्त न्यूज ऑन इंडिया मौजूद है चित्रशिला घाट रानीबाग के अंदर, जहां पर डॉक्टर इंदिरा हृदेश के पार्थिव शरीर को लाया गया है। यहीं पर उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। राजकीय सम्मान के बाद उनको यहां लाया गया। आप देख सकते हैं कि मुखाग्नि दे दी गई है और हजारों की संख्या में उनके समर्थक यहाँ इकट्ठा है। आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ मौजूद हैं, हजारों की संख्या में, चाहे विपक्ष लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष लोग हों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, आज नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में चारों तरफ जिस तरफ देख रहा हूँ लोगों की भीड़ और हुजूम नजर आता है। तो ये जो कमाया है उन्होंने, इस दौलत को उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कमाया है, आज लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो और भी पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया से गए हैं, जिनको जो अंतिम यात्रा जिनकी हुई है यहाँ, उनके साथ भी इतनी भीड़ कभी नहीं आई जितनी की भीड़ आज यहाँ देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर इंदिरा हृदेश लोगों के दिलों पर राज करती थी, लोगों के लिए काम करती थी, सड़क से लेके संसद तक लोगों की आवाज़ उठाया करती थी। और विपक्ष के नेता या जो उनके धुर विरोधी थे, वो भी उनके व्यवहार से और उनकी जो उनकी शैली थी काम करने की, उसको देखते हुए उनके मुरीद हो जाया करते थे। लोग उनके करीब आते थे और उनके साथ में शामिल हो जाया करते थे। तो जिस तरह से आज एक आयरन लेडी को, उत्तराखंड की एक ऐसी लेडी को जिसने 46 साल लगातार अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते हुए छोटे आसन से लेके बड़े आसन तक पे कब्जा जमा कर उत्तराखंड की बात की और लोगों की आवाज़ संसद तक पहुंचाई, आज उसको अंतिम विदाई देने के लिए अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए हैं और मुखाग्नि दे दी गई है। अब यहाँ से एक युग का, एक अध्याय का अंत होता है और इस क्षति को उत्तराखंड शायद ही भर पाएगा, क्योंकि इंदिरा हृदेश जैसी महिलाएं बार बार जन्म नहीं लेती। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान हल्द्वानी, इस वक्त न्यूज़ वन। और आगरा से खबर, बोरवेल में गिरे मासूम शिवा को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम शिवा की जान बचाने के लिए प्रशासन की मेहनत लगातार जारी है। बता दें 180 फीट गहराई ये गड्ढा है जिसमें 3 वर्षीय शिवा खेलते खेलते जा गिरा। इस समय हम आगरा के जो नेवरा क्षेत्र है, जहाँ पर जो 4 वर्षीय शिवा है वो बोरेवल में गिरा, इस समय हम वहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेना के जवान भी यहाँ आ गए हैं और प्रशासन के साथ जल्द से जल्द शिवा को निकालने के लिए जल्द बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वहीं प्रमुख प्रशासन की बात करें तो सुबह से ही जो SP पूर्वी हैं अशोक वेंकट, उनके नेतृत्व में लगातार प्रशासन बिल्कुल जो शिवा है उसको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन से सुबह को पहुंचाई जा रही है, वो पाइप के द्वारा पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर है और वह पाइप के द्वारा जो सेवा को ऑक्सीजन दिया रही है। वहीं जो NDRF की टीम है वह गाजियाबाद से यहाँ निकल आई है और कुछ ही घंटों में वो यहाँ मौके पर पहुँचेगी। साथ ही जो आर्मी है, जो सेना है, वह भी यहाँ मौके पर है। और इस समय जो प्रशासन है वो एक मनगणना कर रहे हैं, इस चीज़ की विचार कर रहे हैं कि कहाँ से किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए और जो शिवा है उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो वहीं जो SP आ रहे हैं वह भी आप देख सकते हैं कि सामने ही हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे किस तरीके से जो शिवा है उसे बचाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह का वहाँ से। हेलो सर, जो यहाँ जो घटना हुई है शिवा है, किस तरीके से इसको निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? अभी आर्मी का टीम आई है, सो उन लोगों के पास रेस्क्यू इक्विपमेंट है और उनका एक्सपर्टीज भी है, तो उसी को यूज़ करके अभी वो लोग कुछ बताया जा रहा है कि कहाँ से खुदाई होगी, कहाँ से उसका टनल होगा, उसी के अनुसार वो लोग खुदाई करके लड़का को रेस्क्यू करेंगे। सर, अभी तक जो बच्चा इसमें अंदर है उसकी कोई प्रक्रिया मिल पाई है, कुछ कैमरा डाल के या कुछ ऐसे उसको पता चला? हम एक कैमरा डाल के उसका सिचुएशन देखा गया है, तो लड़का हेल्दी है, अलाइव है, हाथ पैर चला रहा है। हमारा उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी रात तक उसको खुदवा के उसको निकालवा के बाहर। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ जो SP देहात हैं वह थे और वो सुबह से ही लगातार प्रशासन के साथ इसी मेहनत में हैं कि जल्द से जल्द जो शिवा है उसको बाहर निकाला जाए और सुरक्षित ही उनके परिजनों को दिया जाए। न्यूज़ वन इंडिया के लिए आगरा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
जो 4 वर्षीय बच्चा बोरेवल में गिरा है, तो सेवा को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रशासन जद्दोजहद की मेहनत कर रहा है और सेवा को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो भारतीय सेना है वह भी मौके पहुँच गई है, साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है वो भी है, वो पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है। तो वहीं आप देख सकते हो कि जो सेना है वो पूरी तरह से लगातार तैयारी कर रही है और हमारे जो सेना की जो पूरी तरह से जल्द सेवा को निकालने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कुछ सेना के अधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से बच्चे को निकालने का आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ किया जाएगा, किस तरीके से रेस्क्यू होगा? वो लगभग अबाउट 100 फीट पे 100 फीट पे वो बच्चा फंसा हुआ है, तो उसके समय का टाइम मान के चले कितना टाइम लग सकता है आपको रेस्क्यू करने में? रेस्क्यू हमने अभी पिछले 10 मिनट से शुरू किया है, 5-10 मिनट में हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम खुदाई शुरू कर देंगे। अभी तक बच्चे की कोई प्रतिक्रिया अंदर से मिल पाई है, किस तरीके बच्चे की कोई उसको चेक करने के लिए हम लोग अभी हमारे पास एक 2-way कैमरा है, ऑडियो सिस्टम है, वो अंदर डाल रहे हैं वो चेक करने के लिए। लेकिन जहाँ अभी पहले पुलिस जब आई थी उन्होंने चेक किया था एक मोबाइल डाल के, तो बच्चा ठीक ठाक था। बाकी इधर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऑक्सीजन अंदर डाला है, तो ऑक्सीजन डाला है तो उससे बच्चा सेफ रहेगा। सर, ये बोरेबल है, इससे कितनी दूरी पर आपके द्वारा गड्ढा खोदा जाएगा जिससे आप रेस्क्यू करके बच्चे तक पहुँचेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लगभग 20 फुट दूर, और 20 फुट दूर पहुँचने के बाद उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे ताकि अंदर जो बोरवेल है उसको केविन होने का कोई गुंजाइश नहीं रहे। पुलिस और सेना है वो लगातार 3 वर्षीय शिवा है जो खेलते खेलते उस 180 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। फिलहाल इस बच्चे को बचाने की हर कोशिश की जा रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है और वक्त वक्त पर चेक किया जा रहा है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। बोरवेल में किसी हादसा जो हुआ है वो आपको बता देते हैं। 14 जून 2021 आगरा में 130 फीट गहरे गड्ढे में, 28 अप्रैल 2021 हरदोई में बोरवेल में गिरा बच्चा, 2 दिसंबर 2020 30 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिरा, 27 मार्च 2020 राजस्थान के चुरू में बोरवेल में गिरा मासूम, 6 नवंबर 2020 एमपी के निवाड़ी में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम, 7 मई 2021 राजस्थान के जालौर में 90 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम, प्रतापगढ़ में निजी न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में प्रदेश भर में पत्रकार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में पत्रकार संघ ने भी जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर इस हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित राणा ने कहा है कि प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है, कई पत्रकार अब तक विभिन्न समाचारों के कवरेज के बाद माफियाओं का निशाना भी बन चुके हैं। प्रतापगढ़ में निजी न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही इस मामले में लापरवाह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके अलावा पत्रकारों की जान की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से अत्यंत प्रभावी कदम उठाए जाए। तो बता दें कि निजी चैनल के संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। देखिए, बहुत ही दुखद है और बहुत ही चिंतनीय बात है कि हमारे एक साथी पत्रकार को माफियाओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि बड़ी बात यह है कि 12 जून को यानी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए एडीजी जोन प्रतापगढ़ को एक पत्र भी दिया था। ऐसे में उनकी सुरक्षा नहीं की गई और अब बड़ी शर्मनाक बात यह है कि पुलिस अब ये कह रही है कि एक सड़क हादसा है। क्या सड़क हादसे में किसी के जिस्म के कपड़े उतर सकते हैं? और मऊ में प्रभारी मंत्री ने सीएमएस और सीएमओ को फटकार लगाई है। जिला अस्पताल में खामियां मिलने के कारण ये फटकार लगाई गई है। बता दें, प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, इस दौरान ये खामियां पाई गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल से डॉक्टर नदारद थे। मऊ दौरे पर बीजेपी के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी थे, इस दौरान डॉक्टर्स नहीं मिले हैं और इसके बाद सीएमएस और सीएमओ को फटकार लगाई गई। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब ये औचक निरीक्षण किया गया था। तो प्रभारी मंत्री पहुंचे थे और इस दौरान यहां डॉक्टर नदारद पाए गए हैं, जिसके बाद सीएमएस और सीएमओ को फटकार लगाई गई है, कई खामियां भी पाई गई है। तो
और खबर इटावा से, सपा नेता धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें फरार चल रहा गैंगस्टर धर्मेंद्र यादव अरेस्ट कर लिया गया है। कचहरी में सरेंडर करने आ रहा था धर्मेंद्र यादव। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि धर्मेंद्र यादव और उनके समर्थकों ने जुलूस निकाला था। धर्मेंद्र पर महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया था। 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। और वहीं झांसी में मामूली विवाद के बाद गोलियां चल गई। बता दें घर में घुसकर परिवार पर बरसाई गई हैं ये गोलियां। गोली लगने से परिवार के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाइक हटाने को लेकर ये परिवारों में विवाद शुरू हुआ था और परिवारों में जो विवाद शुरू हुआ इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलीबारी शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दुबे चौक की ये घटना बताई जा रही है। ये मामले की तो अभी विस्तृत जानकारी नहीं क्योंकि वो ज्यादा सीरियस थे। एक पेशेंट के पेट में लेफ्ट साइड में गोली लगी है और बुलेट का घाव दिख रहा था और जो लाने वाले लोग थे उनका कहना था कि किसी ने गोली मारी है। कोई ऐसा बताया नहीं। और जो दूसरा एक और पेशेंट है उसके बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है उनका कहना है और वहाँ पर सस्पेक्ट फ्रैक्चर और सब दिख रहा था, काफ़ी स्वेलिंग थी। उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे। घटना बस ऐसी कि रात को हम ऊपर अपने खाना पीना खा के ऊपर कमरे में थे और उधर से थोड़ा आवाज़ सुनाई दी मुझे नीचे गाली गलौज की, तो नीचे उतर के देखा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो देखा नीचे तो सेठिया की तरफ से मनी दीपेश, राकेश, मनोज, टिन्नू, कल्लू ये सभी लोग थे और भी शायद वो कहना उसका अखिलेश विश्वकर्मा शायद वो भी था। अंधेरे में समझ में नहीं आया लेकिन 5-7 लोग थे ये। तो ऐसी मुँह जवानी होने लगी। फिर बोले हम तुम्हें गोली मार देंगे, ऐसा कर देंगे। तो हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर फिर उन लोगों ने हमको धमकी दी कि हम गोली मार देंगे। हम लोगों ने कहा मारो, इतने फायर किए। पहला फायर मेरे ऊपर हुआ, उसका ये है हाथ में छर्रा लगाया मुझे। यहाँ पे क्या बंद कुछ नहीं, गाय गलौज हो रहे थे पहले, वो बस सीधे लोग गोली चलाई अंदर से। राकेश सेठिया, मनोज सेठिया, दीपेश, मनीष सेठिया सब से लोग, तीन जन को, तीन हमारे घर में सबसे बड़े भैया को, भाई साहब को लगी पेट में और जिनको लगी पैर में, भैया को छल्ला लगे हाथ में। हाँ, और नौ 11 बजे की बात होगी, 11 की कुछ ही नहीं, ऐसी बस बोलो क्या कहा, गाय दे रहे थे वो लोग है गुंडे वाली। हम लोगों को जीना दोस्त, हम लोग बैठ जाते तो हम लोगों को गंदी गंदी गाली देते, रागी सेठिया, मनीष सेठिया। गोल लगी है अशोक और मनोज को। ये विवाद का कारण है, मोटरसाइकिल लेकर के विवाद था। ये इनका आपराधिक इतिहास भी है, इन्हें गोली मारी है। मनीष है, दीपेश है, उनके परिवार के लोग हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे हम। अभी 2 लोग घायल हैं और बहुत सख्त कार्रवाई। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।